हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अन अकेडमी के एक नए लेसन में। ये लेसन है सीए फाउंडेशन कोर्स बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के कोर्स के अंदर। यहाँ पे है इस कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये है कुछ चीज़ें अबाउट मी, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट टू। नेक्स्ट चैप्टर टू, सेंटेंस टाइप्स का चैप्टर टू का आखिरी पार्ट है ये, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे लर्निंग टारगेट्स मेंशन नहीं किए हैं मैंने। मैं अभी आपको डिक्टेट करती हूँ, आप लिख लीजिएगा। लर्निंग टारगेट नंबर 1 है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इट्स यूजेस। लर्निंग टारगेट नंबर 2 है व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच एंड इट्स यूजेस। लर्निंग टारगेट नंबर 3, चेंज रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। लर्निंग टारगेट नंबर 4, रूल्स फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड्स कैन बी रिपोर्टेड और रिप्रोड्यूस्ड। जब भी किसी ने कोई बात बोली है, अगर हमें वो किसी और को बतानी है, तो वो रिप्रोड्यूस हम दो टाइप में कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में अगर करना चाहे तो हम एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं, वही उन्हीं वर्ड्स को हम कोट करते हैं। वही इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, वही बात रिपोर्ट करते हैं पर एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट कोट नहीं करते। नेक्स्ट, यूज डायरेक्ट स्पीच का कब कब होता है। जब भी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करने हो तब आप डायरेक्ट स्पीच यूज कर सकते हो। आई विटनेस करने हो अकाउंट्स, जैसे न्यूज स्टोरीज में वो लोग करते हैं, तभी हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। मूवीज और प्लेज के जो स्क्रिप्ट होती है वो भी डायरेक्ट स्पीच में होती है। और जब आप स्पीच दे रहे होते हैं तभी कई सारे डायरेक्ट कोट्स हम यूज करते हैं, ताकि हमें उस शब्दों का, उस मैसेज का एग्जैक्ट इसेंस समझ में आ जाए। अगर हम नरेटिव्स में डायलॉग्स को इंसर्ट करते हैं तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन होके आते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो होती है, AGMs की वगैरह, उसमें भी हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, ताकि कोई सिग्निफिकेंट पार्ट अगर एम्फोसाइज करना हो तभी हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं। अदरवाइज मीटिंग्स में इनडायरेक्ट ही यूज़ होता है। सप्लीमेंट, जो भी आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो उसको क्लैरिफाई करने के लिए या फिर उसको एक सप्लीमेंट या फिर एक सपोर्ट देने के लिए हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच कब कब इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इम्पॉसिबल है हर चीज़ को आप डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करो। बहुत हमें थकान भी हो सकती है और बहुत इम्पॉसिबल भी हो जाता है वो। इनडायरेक्ट स्पीच को तभी यूज करते हैं जब आपको लेंदी और कंफ्यूजिंग नरेशन से निकलना हो, या कंफ्यूजिंग और लेंदी डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करने से बचना हो तब। ऑल्सो क्लैरिटी और प्रिसाइजनेस आती है रिपोर्ट करते समय अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच को यूज करेंगे। न्यूज़पेपर्स इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं कि उनको अगर बताना है क्या बोला गया, किसने बोला गया, कहाँ बोला गया, तभी इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो AGMs के रिपोर्ट्स, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि AGMs के रिपोर्ट्स या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ये सारे इनडायरेक्ट स्पीच में ही होते हैं। पर अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को क्लैरिफाई या हाईलाइट करना हो तभी आप उस वो पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ डायरेक्ट में लेते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, शी सेड आई एम बिजी टुमारो। इनडायरेक्ट में होगा शी सेड दैट शी वॉज बिजी द नेक्स्ट डे। देखिए अभी इसमें चेंजेस क्या क्या है। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमाज है वो हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। यहाँ पे एक कंजंक्शन ऐड कर दिया है दैट, ये कोट करने के पहले, ये डायरेक्ट सेंटेंस को ये इनडायरेक्ट बनाने के पहले हमने दैट यूज कर दिया है। आई प्रोनाउन चेंज हो गया है शी से, एम चेंज हो गया है पास्ट टेंस में वॉज से, टुमारो चेंज हो गया है द नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आप याद रखिएगा। अभी जब हम रूल्स देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते समय, उस समय आप ये सारे चीज़ें जैसे जैसे हम रूल्स कवर करेंगे वैसे वैसे टिक करते जाइएगा। सो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यहाँ तक आप पहला और दूसरा लर्निंग टारगेट टिक मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इट्स यूजेस, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच एंड इट्स यूजेस। आप अगर चाहो तो यहाँ पे लेसन पॉज करके आपका स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग टारगेट नंबर 3 पे, जो कि है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला रूल है चेंज ऑफ टेंस। जब भी प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में होता है
तो प्रेजेंट टेंस सारे डायरेक्ट वर्ड्स का जो प्रेजेंट टेंस है वो चेंज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में. मतलब कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हो तो वो इनडायरेक्ट में बन जाएगा सिंपल पास्ट. जैसे कि ड्रिंक यहाँ पे बन गया है ड्रैंक. सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हो डायरेक्ट में तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में. जैसे कि एम आई एम रीडिंग अ बुक वो चेंज हो जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक और शी वॉज रीडिंग अ बुक. राइट. तो इसके और ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे पेज नंबर 2.17 ICAI के स्टडी मटेरियल में. इसके कुछ एक्सेप्शंस है. सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर आप डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हो या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ बता रहे हो तभी वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा. वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो फिर भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ही सेड यूज किया है, सेड मतलब ये वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है, पर फिर भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय बोलेंगे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद अगर स्टेटमेंट रिलेवेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होने के बाद भी, तो उस समय हम हमारा कंसर्न होता है कि हमें चेंज करना है ओरिजिनल टेंस या फिर उसको वैसे ही रखना है. फॉर एग्जाम्पल, रीटा सेड फ्रेंच इज इजी टू लर्न, तो ये हम चेंज कर सकते हैं रीटा सेड दैट फ्रेंच इज इजी टू लर्न, या हम बोल सकते हैं रीटा सेड दैट फ्रेंच वॉज इजी टू लर्न. तो इजी या वॉज ये हमारे ऊपर है, क्योंकि फ्रेंच इज इजी टू लर्न ये इंपॉर्टेंट चीज है जो रीटा ने बोली है. इसको भले आप प्रेजेंट में रखो, इज रखो या वॉज रखो, मेन सेंस चेंज नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट रेलिवेंट है. उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पास्ट हुआ तो उसको हम चेंज कर देते हैं. ठीक है, पास्ट हुआ तो उसको हम प्रेजेंट बना देते हैं. पर अगर सॉरी अगर पास्ट हुआ तो हम पास्ट में ही रखते हैं. जैसे कि सिंपल हुआ, प्रेजेंट हुआ तो हम उसको पास्ट बना देते हैं. तो यहाँ पे वही लिखा है, अगर प्रेजेंट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते. तो कंफ्यूजिंग है, पर एक एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल ले लीजिए, ही सेज आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक. यहाँ पे सेड यूज नहीं किया है. ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है. ही सेज आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो ये चेंज हो जाएगा. ही सेज ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, सेज का सेज ही रखा है, हमने चेंज नहीं किया है. नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. सेकेंड रूल है, रूल्स वो यूज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. जैसे कि अगर कोई ऐसे वर्ड्स है जो नियरनेस इन डिस्टेंस या नियरनेस इन टाइम और नियरनेस इन प्लेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हियर बन, डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर यूज किया तो वो देयर बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. अगो अगर डायरेक्ट स्पीच में हुआ तो वो इनडायरेक्ट में बन जाएगा बिफोर. लास्ट नाइट डायरेक्ट स्पीच में तो वो बन जाएगा द नाइट बिफोर इनडायरेक्ट में. दिस बन जाएगा दैट, दैट डायरेक्ट वाला बन जाएगा दोज इनडायरेक्ट वाला. तो ये इसके ऐसे ही और कई एग्जाम्पल्स है जो आपको पेज नंबर 2.18 में मिलेंगे ICAI के स्टडी मटेरियल में. प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के जो प्रोनाउंस है वो जनरली फर्स्ट और सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन में चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रिया सेज आई विल लीव सून. ठीक है, प्रिया सेज, ये मैं जो भी एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ आप प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा. प्रिया सेज आई विल लीव सून, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्रिया जो कि लड़की है, तो हम ये इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त लिखेंगे प्रिया सेड शी विल लीव सून, क्योंकि आई है ऊपर, वो आई को चेंज कर दिया शी में. कैसे किया, शी क्यों किया, क्योंकि वो प्रिया है जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने शी लिख दिया. वैसे ही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं नाउन के हिसाब से या फिर प्रोनाउंस जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आते हैं उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू रिया यू विल हैव टू राइट अ स्टोरी. ये हो गया यू है, यू तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, एक तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को नाउन के हिसाब से चेंज करेंगे या फिर ऐसे प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आया है. तो यहाँ पे I said to Riya, you will have to write a story. ये चेंज हो जाएगा. I said to Riya that she would have to write a story. Next, third person pronoun जो है वो कैसे चेंज होगा, वो nominative case में है तो वो है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज होता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल रिया सेट टू मी दे विल कम. अभी दे जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये कैसे चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में आएगा रिया सेट टू मी दैट दे वुड कम. तो दे सेम रहा है, प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ. नेक्स्ट चेंज इन मॉडल्स, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में, मस्ट हैड टू में. मॉडल्स जैसे कि वुड, कुड, शुड, ऑट टू, ये सारे चेंज नहीं होंगे. नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर ऐसे कोई कमांड्स यूज किए जैसे एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, तो इनडायरेक्ट स्पीच शुरुआत ही होगी ऐसे वर्ब से जो एक्सप्रेस करता है सेंटिमेंट्स सेंटेंस के. मतलब ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर ही ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्ट हुआ तो आई सो एंड सो रिक्वेस्टेड आएगा, इस तरीके से. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे, जैसे कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डोंट या फिर डू नॉट ऐसे जो शब्द है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे नॉट टू से. और जो भी लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको एक प्रपोजल या सजेशन एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा सेड से या सजेस्टेड टू से या प्रपोज टू से. सिमिलरली इंटरोगेटिव में सेड को चेंज हो जाएगा आस्ट में, डिमांडेड चेंज हो जाएगा इंक्वायर्ड में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस. बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स आप पेज नंबर 2.20 में देख सकते हैं स्टडी मटेरियल में. जब भी कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच का शुरुआत हो उसकी एम इज आर से, तो रिपोर्टिंग वर्ब में इफ या वेदर फॉलो करेगा वर्ब को. नेक्स्ट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बनेगा ज्वाइनिंग वर्ड. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब दैट, इफ या वेदर, ये सारे वर्ड से ज्यादा जो आपका क्वेश्चन वर्ब है वो यहाँ पे एक्टिंग करेगा ज्वाइनिंग वर्ड की. इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दो. से, से टू, सेज या से टू, ये चेंज हो जाएगा आस्क, आस्क टू या विल आस्क में या फिर आस्क में. एक्सक्लेमेटरी का क्या होगा, इंटरजेक्शन निकल जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बना देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे. डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है, वेन, वॉट, ये सारे चेंज हो जाएंगे एडजेक्टिव्स में. चेंजेस ऑल्सो मूड के ऊपर डिपेंड करेंगे, सेंटेंस के मूड के ऊपर, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हैप्पी मूड भी होता है, सैड मूड भी होता है. इसके एग्जाम्पल्स आपको पेज नंबर 2.21 में मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल में. नेक्स्ट विशेस अगर है, सेड को हम चेंज कर देंगे विश्ड में. जैसे कि ही सेट टू मी गुड मॉर्निंग, ये विश है, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, या फिर ही सेट टू मी ऑल द बेस्ट, ही विश्ड मी ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट ब्लेसिंग्स जो है, मे या मे गॉड, इसको चेंज कर देंगे विश्ड या प्रेड में. ही सेट टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, ये चेंज हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिज सन. यहाँ पे मे चेंज हो गया है प्रेड में, क्योंकि गॉड से प्रे कर रहा है वो. आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट है रूल्स फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते वक्त से या सेट टू को अपने करेक्ट सेंटेंस में यूज करना है हमें. कंजंक्शंस दैट, टू, इफ, ये सारे जहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं वहाँ से इसको रिमूव कर देना है. कोटेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ लगा देने हैं. जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो डायरेक्ट बनाते वक्त वो स्टेटमेंट के पीछे एक कॉमा होना चाहिए, पहले एक कॉमा होना चाहिए, उसके बाद वो सेंटेंस आएगा. जो वो स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमाज में होना चाहिए, पूरा का पूरा स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमाज में होना चाहिए, और स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए. पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में बना दो, जहाँ जहाँ भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिख रहा हो. पास्ट परफेक्ट टेंस को एक तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दो, जैसे रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस. प्रोनाउंस जो भी है उनको एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस चेंज कर दो. जैसे प्रिया सेड शी विल, तो वहां पे होगा आई विल. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, डायरेक्ट में बन जाएगा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर फॉर हिम, यही डायरेक्ट में बन जाएगा ही सेड टू हिम प्लीज ओपन द डोर फॉर हिम. रिक्वेस्टेड का हमने प्लीज किया, जैसे हमने डायरेक्ट में प्लीज का रिक्वेस्टेड बनाया था उसी तरीके से. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. अगर थोड़ा सा फास्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी. अगर आप चाहते हो कि मैं एक और लेसन बनाऊँ थोड़ा सा स्लो स्पीड में, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करूँगी और दो तीन पार्ट्स बना दूंगी इस लेसन के. आप ये जो भी पढ़ रहे हो, ये पूरा जो लेसन है, पूरा जो कोर्स है, आप इसको ICAI के स्टडी मटेरियल के साथ साथ रेफर कीजिए, ताकि आपको ही आसानी होगी इसको समझने में. Thanks for watching.